नमस्ते, मैं सोनिया डबीर हूँ। मैं एक फॉर्मर इंडिया क्रिकेटर हूँ। ये कहानी सोनिया डबीर की है, जिन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तरफ से वर्ल्ड कप खेला है और वही जर्सी पहनी है जिसे पहनने का सपना हर एक क्रिकेटर का होता है, फिर चाहे वो मेल क्रिकेटर हो या फीमेल क्रिकेटर हो। सोनिया की कहानी में क्रिकेट जरा देर से आया, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ क्रिकेट सिर्फ लड़कों का गेम था, इसलिए मैंने अपनी जर्नी बैडमिंटन से स्टार्ट की। पर जब आपका दिल नहीं लगता तो आप तरीके ढूंढ लेते हो वहाँ जाने के लिए जहाँ आपका दिल जाना चाहता है। मैंने लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना तो शुरू कर दिया, उसी के साथ मोहल्ले के आंटियों ने भी ताने मारने स्टार्ट कर दिए। बताओ, लड़की होके लड़कों के साथ क्रिकेट खेलेगी, इसके माँ बाप रोकते नहीं है इसे? बचपन में तो फिर भी सब माफ हो जाता है, पर जब आप बड़े होते जाते हैं तो आपके सवाल भी आपके साथ बड़े हो जाते हैं। पर सपने मेरे थे और उन्हें पूरा करने की जिद वो भी मेरी थी, इसलिए रुकने के लिए मैंने मना कर दिया। वक्त बदला और माँ बाप ने कह दिया कि सोनिया, अकेले जितनी लड़ाई तुम्हें लड़नी थी तुमने लड़ ली है, अब शादी कर लो, क्योंकि आगे की लड़ाई तुम्हें अपने पति के साथ लड़नी है। सोनिया के हस्बैंड को क्रिकेट उतना पसंद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने उनका क्रिकेट के लिए डेडिकेशन देखा तो ना सिर्फ वो बल्कि उनके इन लॉज ने भी कहा, सोनिया तुम खेलो, वी विल सपोर्ट यू। मैंने देखा है चीजें जिद से बदलती है। जिस ग्राउंड पे कभी लड़कियों को प्रैक्टिस करने के लिए मना किया गया था, वही ग्राउंड मेरे लिए खुला गया स्पेशली क्योंकि मैं वर्ल्ड कप खेलने जा रही थी। हिम्मत बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें बहुत ताकत है। अगर आप चाह लेते हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज मैं एक क्रिकेट कोच हूँ और हर कोशिश कर रही हूँ कि हर वुमेन क्रिकेटर वहाँ पहुँचे जहाँ उनको पहुँचने का हक है और वो डिजर्व करती है। इस T20 क्रिकेटिंग सीजन हाउस दैट ऐसी हर कहानी को सलाम करता है, वो खेल रही है